guys are from your random girls by Mojuk. I hope you guys are doing great. So today I quickly came here to give you a very quick review about this product called Vitamin C Serum by Organic Travelers. This is a very hyped up product these days Pakistan mein. Everyone is probably using this serum because इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं. मतलब मैंने तो जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं उसमें ये है कि हमारे स्कार्स भी ख़त्म हो गए हैं. एक्नी तो एक्नी, स्कार्स भी ख़त्म हो गए हैं. सो लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट, इवन अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स आर टॉकिंग अबाउट इट. सो मैंने ये ख़रीद लिया जैसे ही मैंने इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे. मुझे कोविड में कुछ एक्नी हुई थी, उसके बिल्कुल लाइट से हाइपरपिगमेंटेशन थी एंड पीपल वर सेइंग कि विद इन 10 डेज हाइपरपिगमेंटेशन भी गायब हो जाएगी, स्कार्स भी गायब हो जाएंगे, एवरीथिंग गायब हो जाएगी. सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट. सो आई गॉट इट फ्रॉम अ सेल और इट कॉस्टेड मी अराउंड 1900 और 1800 इंक्लूडिंग डिलीवरी. अच्छा, व्हेन आई गॉट इट आई रियली लाइक द पैकेजिंग और एवरीथिंग. द बॉटल इज रियली नाइस. ऊपर इसके पंप लगा हुआ है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, कोई गिरता नहीं है, कुछ नहीं होता. सो द पैकेजिंग ओवरऑल इज रियली ग्रेट एंड द पंप ये भी बहुत मज़े का है. अच्छा, देन आई स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट. मैंने तकरीबन महीना एक इसको यूज़ किया है. मेरी मदर ने भी यूज़ करना स्टार्ट किया और मैंने भी. आई एम ऑब्सेस्ड विद विटामिन सी प्रोडक्ट्स. सो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए क्योंकि विटामिन सी जनरली मेरी स्किन पे बहुत सूट करता है, एज इन मेरी स्किन पे एकदम इंस्टेंट ग्लो ले आता है. अच्छा, आई स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट. द वेरी गुड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज जैसे ही हम, मतलब नॉर्मली सीरम्स इस तरह से नहीं होते, जैसे ही आप इसको फेस पे लगाते हैं ये विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर और बिल्कुल गायब हो जाता है, लिटरली गायब हो जाता है. मतलब आप आफ्टर 5 or 10 seconds ये नहीं बता सकते कि आपने फेस पे कुछ लगाया है या नहीं लगाया. अच्छा, आई स्टार्टेड यूजिंग इट. इसके बाद मुझे एक चीज़ थोड़ी अजीब लगी थी कि इस सीरम के बाद अगर आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते हो तो ये उतरना शुरू हो जाता है, एज इन ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में उतरना. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट ये थोड़ा भुरभुरा होके उतरना शुरू हो जाता है. सो मैं इसको अकेला लगाती थी. आई डिडंट यूज़ एनी मॉइस्चराइजर आफ्टर. नॉर्मली आई यूज़ मॉइस्चराइजर आफ्टर सीरम. तो मैं इसके बाद कुछ नहीं लगाती. मैं नाइट टाइम यूज़ करती थी, सुबह नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे सनब्लॉक वगैरह मॉइस्चराइजर सब सुबह लगाना होता है. तो मैं सुबह यूज़ नहीं करती थी, मैं रात को यूज़ करती थी. मैंने महीना एक यूज़ किया. आई एम सॉरी विद ड्यू अपोलॉजी, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. मतलब मुझे बिल्कुल कोई इसने इम्प्रेस नहीं किया. इसने मेरे फेस पे कुछ भी असर नहीं किया. लाइक इट वॉज लाइक कि कुछ भी असर नहीं किया. आई एम नॉट इवन किडिंग. सो इन फैक्ट इट गेव मी एक्नी ऑन माई फेस और थोड़ा सा मेरा फेस जो है इन जगहों से सेंसिटिव होना स्टार्ट हो गया और रेड होना शुरू हो गया था और स्किन के अंदर ही छोटे छोटे बम्स बनना शुरू हो गए. मुझे किसी भी चीज़ से जब सेंसिटिविटी होती है मुझे ये वाला एरिया में होती है सबसे ज़्यादा, तो मुझे इससे ये हुआ है. तो मतलब इसने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ बुरा भी ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ मुझे बिल्कुल ज़ीरो डिफरेंस इससे फील हुआ. माई फ्रेंड इज़ यूजिंग इट, शी इज़ रियली इम्प्रेस्ड. उसके कहने पर भी मैंने लिया था बिकॉज वो कह रही थी कि उसको बहुत फ़र्क पड़ा है, हाइपर पिगमेंटेशन थी उसको ख़त्म हो गया. माई मदर इज़ यूजिंग इट एंड वो भी कह रही हैं कि ठीक है. मतलब ऐसा कोई बहुत मैजिकल रिजल्ट हमें नहीं मिला, मुझे तो बिल्कुल नहीं मिला, बट माई मदर इज़ लाइक ठीक है, अच्छा है, सुबह उठो स्किन बहुत अच्छी हुई होती है. तो वो यूज़ कर रही हैं. आप देख सकते हैं ये हाफ बॉटल कर ली है मेरी अम्मा ने और मैंने भी खैर महीना एक यूज़ किया था. ये बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में लगता है और एकदम स्किन से गायब हो जाता है. मतलब ये मुझे इस सीरम की बहुत अच्छी चीज़ लगी है. ये क्लेम ये करता है कि स्किन को ब्राइट करता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन है विच इज़ अ ट्रू थिंग और ये हाइड्रेट करता है. सो फास्ट एब्जॉर्प्शन पे मुझे इस पे यकीन है, बाकी स्किन ब्राइटन नहीं करी है मेरी इसने, हाइड्रेट आई डोंट नो किया है या नहीं किया. बहरहाल मुझे ऑनेस्टली कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा. लाइक ये प्रोडक्ट हो या ना हो, कोई इसमें मुझे नहीं फ़र्क लगा. ऑन द अदर हैंड में जो और विटामिन सी के सीरम इस्तेमाल करती हूँ मुझे फ़ौरन फ़र्क पड़ता है. सो आई डोंट नो ये इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं, लेकिन वही बात है किसी पे ये असर करता है किसी पे ये असर नहीं करता. तो मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं. इनफैक्ट मैंने इसके रिव्यूज़ में ये तक देखा है कि ये स्कार्स को भी ख़त्म कर देता है. आई डोंट नो ये कैसे ख़त्म करता है. फॉर मी, मैं ये प्रोडक्ट दोबारा कभी भी नहीं लूँगी. इनफैक्ट ये मेरे लिए यूज़लेस था. मेरी मदर ने इसको यूज़ किया है, वो भी बस यही है कि ठीक है, हो ना हो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. तो इट इज़ लाइक दैट मेरे लिए. मतलब मुझसे अगर कोई रिकमेंडेशन मांगेगा आई वोंट सजेस्ट कि आप लें, आपकी स्किन के ऊपर ये मैजिक कर देगा, बिकॉज
मेरे ऊपर इसने कोई मैजिक नहीं किया. सो आई वॉन्टेड टू कम हियर टू टेल यू गाइज दिस वॉज अ वेरी क्विक रिव्यू. तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं, आप ले, इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, प्राइस इज इकनॉमिकल. आप लोग इस्तेमाल करके खुद भी इसको ट्राई करें और देखें कि आप लोगों पर कोई फ़र्क पड़ा है इससे या नहीं पड़ा. इनका सनब्लॉक भी है जिसकी मैंने बहुत हाइप सुनी है, लेकिन आई डोंट नो वो क्या है, वो मैंने नहीं लिया. मेरा बस एक ही सनब्लॉक है और वो ये वाला, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है इसका. तो मुझे इसके सनब्लॉक पे कोई, मतलब ये हो या ना हो, कोई डिफरेंस नहीं है मेरी स्किन केयर में. ओके गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. आई विल कम अप विद अनदर रिव्यू वीडियो वेरी सून. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.